हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है। वो हम देखेंगे आपके पर्सन की रियल मोटिव इंटेंशन, उनके दिल में दफना हुआ राज क्या है, उनके इरादे क्या, वो इरादे नेक है या कुछ और है, वो भी हम चेक करेंगे। आपके लिए वो महसूस क्या करते हैं और आप भी इनके लिए क्या महसूस करते हो, क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहेंगे इन फ्यूचर, तो तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बी पॉजिटिव। आज का जो स्केच मैंने बनाया है, रोज़ ही बनाती हूँ, तो मैंने दिया रखा है और एक कैंडल रखा है, ठीक है। भले ही दोनों आकार डिफरेंट है, फॉर्म डिफरेंट है, लेकिन उसका पर्पस सेम है कि रोशनी देना। तो आपकी ज़िंदगी में मेरा काम है आपको रोशनी देना, आपको क्लैरिटी देना, इसीलिए मैंने इस चीज़ को ड्रॉ किया। स्पिरिचुअलिटी में चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, हम दिया और कैंडल का यूज़ करते हैं। ओके, सो लेट्स डू इट। चाहे वो कोई पूजा हो, कोई प्रैक्टिसेस चल रहे हो, मेडिटेशन में भी माना जाता है कैंडल रखने चाहिए, एरोमेटिक कैंडल आप करते हो या नहीं, नहीं पता मुझे, कोई खुशबूदार वाला कैंडल आपको रख देने चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए और हम देखेंगे कि बेसिकली उनके इंटेंशंस क्या है, उनके मोटिव क्या है, उनके इरादे क्या है। सो डोंट थिंक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट दैट पर्सन, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। ओके, ऐसा आप मान लीजिए कि आपके पर्सन आप ही के सामने हैं और आप उनको विजुअलाइज कर रहे हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स का रियल मोटिव इंटेंशंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। गिव मी सर्टेन सेकेंड्स, आफ्टर दैट आई विल स्पीक। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक देखो एस ऑफ कप्स बना है। अगर हम इस चीज़ को उल्टा करके देखें, आपको पता नहीं क्या दिख रहा है। अदर किसी किसी को एक चिड़िया दिख सकता है, किसी किसी को एस ऑफ कप्स एक कप दिख सकता है, वाइन ग्लास या शैम्पेन ग्लास दिख सकता है, ठीक है। तो मुझे जितना तक महसूस हो रहा है, आपके पर्सन जो है उनकी इरादे जो है कि इधर तो ये बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग रिलेशनशिप में थे पहले, इसलिए उनको कोई कदर नहीं, ठीक है, कि आप इनके लिए इतना नेक सोच सकते हो, ठीक है। दूसरा है कि इन्होंने कभी भी, ठीक है, एक्चुअल प्यार क्या है उन्होंने महसूस नहीं किया, ठीक है। उनके लिए प्यार और मोहब्बत की मीनिंग वही है, ओनली टू डू सेक्स, हैव फन, बट नॉट गिविंग कमिटमेंट, ठीक है। उनके लिए ऐसा हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ यौन, ठीक है, इसके बारे में ही वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं। सेंशुअल प्लेजर उनके लिए आरामदायक ज़िंदगी हो, कंफर्टेबल लाइफ हो, और पूरी तरह से इफ़ योर पर्सन इज़ अ मैन और अ मेल, तो उनके लिए बहुत सारे लड़की लोग उनके आसपास हो, यही चाहते हैं। चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो डांस ग्रुप में हो, चाहे वो एक ऑफिसर हो, चाहे वो बहुत बड़े पोजीशन में हो या इनके बिजनेस हो, इनके इरादे कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक डेविलिश एनर्जी दिख रहा है, जिस तरह से एक डेविल और यहाँ पे दो पर्सन, ठीक है। तो डेविलिश एनर्जी मतलब क्या है, एक विकेड एनर्जी मतलब इविल एनर्जी, ठीक है। हाँ, मैं मानती हूँ कभी कभी डेविल इज ऑल्सो अ कार्मिक सोलमेट, बट कार्मिक सोलमेट जो भी हो, ठीक है, ये इंसान जब से आपकी ज़िंदगी में आए हैं, कुछ लोग के लिए
आपने देखा होगा कि आपके भी कुछ ऐसे हैबिट्स आदत हो चुके थे जो शायद पहले नहीं था। हो सकता है कि लेट नाइट तक जागना, इनके साथ चैटिंग करना, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मे बी आई डोंट नो, बट मुझे इस तरह से फीलिंग ज़रूर हो रहा है कि आपके पर्सन ज़रूर आपको कुछ ऐसी जगह पे लेके गए होंगे जहाँ पे यस यू हैड बीन इंटीमेट विद दिस पर्सन, आपको मे बी यू हैड टेकन सर्टेन ड्रिंक्स और स्मोक वट एवर वे इट इज, चाहे कुछ लत लग गया था आप दोनों को, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद ही इनका जो डोमिनेंट और एरोगेंट साइड है वो आपको दिखाई दिया। यू नो व्हाट, डेविलिश एनर्जी को बोला जाता है द सैटनिक एनर्जी, सैटर्न नहीं, सैटनिक, SATANIC, सैटनिक, ओके। मतलब क्या होता है, विकेड, वेरी मच इविल, कि वो हो सकता है कि जहाँ पे भी आपका वीकनेस उन्होंने देखा, ठीक है, उन्होंने आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश किया, एक्सप्लॉयट किया आपको, कि आपके एक्स हो सकते हैं, कोई और रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, या आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कुछ भी फ़ायदा उठाया आपसे, और कहीं ना कहीं पे अपने जीवन में ही वो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, जीतने की कोशिश किए ना आपको कभी भी। देखो, एक रिलेशनशिप होता किस लिए है, एक संबंध किस लिए होता है, ताकि एक दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करो और दोनों का ही ग्रोथ हो, तरक्की हो, सक्सेस हो, यही ना, दोनों ही खुश रहो। इट्स लाइक द टेन ऑफ कप्स, बट उस जगह पे मुझे यहाँ पे डेविलिश एनर्जी दिख रही है। उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, इट्स लाइक अ डायनासोरस, ऑल थिंग्स आर कमिंग नेगेटिव, द पोलर बियर, द बियर जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे W साइन काफ़ी दिख रहा है, W हो सकता है, H हो सकता है, X हो सकता है, ठीक है, एंड आई डू फाइंड दिस इज़ अ वेरी डेंजरस एनिमल, ठीक है। ये इंसान चाहे जो भी हो, ये अंदर से आपको खोखला, जिसको बोला जाता है एम्प्टी बना दिया, इनकी आदत आपको पड़ना शुरू हो गया। ये ऐसी एनर्जी है, ये ऐसे इंसान है जो अपने चार्म से, अपने सुंदरता से, अपने बाहर की सुंदरता, आउटसाइड अपीयरेंस से सबको प्रभावित करते हैं, सबको, सिर्फ आपको नहीं, सबको प्रभावित करते हैं, लेकिन जो है ना, फंसे आप, ठीक है, ऑल राइट। और यहाँ पे देखो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, कैप्रिकॉन का ही यहाँ पे फेस आ रहा है बार बार। मकर राशि हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप, या कोई भी अर्थ साइन, ठीक है। आपके पर्सन जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उन्होंने आपसे काफ़ी कुछ छुपाया है, ठीक है, अपने लाइफ, अपने ज़िंदगी के बारे में। तो देख लेते हैं क्या छुपाया है उन्होंने, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि इंसान ने काफ़ी कुछ आपसे छुपाया है, ठीक है। ऑल राइट, लेट मी सी, काफ़ी ज़्यादा दोनों में बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं हम दोनों में रिसेंटली, मुझे लग रहा है 3 हफ्ता या 3 महीना या 3 साल से कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ओके। आपके घर के आसपास हो सकता है कोई केले का पेड़ हो और आप पूजा करते हो, या हो सकता है केले का पेड़ हो, आई फील्ट लाइक, ठीक है, बनाना ट्रीज देयर, या आपके घर में बनाना सब्जी, बनाना जो प्लांट है उसकी सब्जी शायद बनता है, या आप केले बहुत ज़्यादा खाते हो, इस तरह से हो सकता है कुछ, ओके। क्या छुपाया है आपसे ये पर्सन ने, व्हाट डिड दे हाइड फ्रॉम यू एंड योर्स। देखो, मुझे इस तरह से दिख रहा है, इनकी घर में, अगर ये मेल है तो इनके घर में ना वाइफ है जो इन्होंने जस्ट एक ट्रॉफी वाइफ बना के रख दिया, मतलब वाइफ होने चाहिए इसलिए एक नाम के वास्ते वाइफ बना के रख दिया, या आपके साथ इनका अगर शादी हुआ है, नाम का एक शादी है, ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ, मतलब दूसरे जेंडर के साथ किस तरह से ये संबंध रखते हैं, ओके। सो वेरी मच एब्यूजिव रिलेशनशिप से आप गुजरे हो, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन, तो कहीं ना कहीं पे आपको इस एनर्जी से आपको अपने आप को रिलीज कर देना है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपने इस इंसान के साथ कोलैबोरेट किया, मतलब आप इनके साथ मिले
और यहाँ पे देखो फीमेल फिगर है, और ये इंसान के पास आप देख रहे हो विंग्स है, मतलब आपको कभी भी इन्होंने ऐसा बोला, यस आई लव यू बेबी, आई लव यू माई जान, ओके, तो बट देन ही और शी ओके हैड गॉन अवे, एग्जिट मार दिया आपके लाइफ से, फुर करके उड़ गए, जितना फायदा उठाना था उठा लिया, फिर भी आप इस पर्सन की मोह माया में हो, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये क्या बदल चुके हैं, क्या इनके इरादे बदल चुके हैं, क्या इनके इरादे नेक हो चुके हैं पहले से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, थैंक यू यूनिवर्स। वी लेटर एल एच सी ओ के आई इज इम्पॉर्टेंट। कोई भाग रहा है, मतलब समवन इज रनिंग अवे, आई डोंट नो हु इज दैट पर्सन। ओके, अभी इनके हालात बहुत पहले से, ठीक है, नाजुक हो चुका है, कहीं ना कहीं पे इनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, या इनका रिश्ता जिस किसी के साथ भी था, मे बी बिजनेस रिलेशन हो सकता है, वो टूट रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और ये इंसान भी खुद भी जिस तरह से होता है ना, नेगेटिव एनर्जी अगर आपके रहते हैं तो कहीं ना कहीं पे वो आपको खुद ही चोट पहुंचाते हैं। मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों लग रहा है कि जिस तरह से ब्लैक मैजिक का इफेक्ट बहुत ज़्यादा गहरा में रहता है, राइट, तो इस तरह से मुझे दिख रहा है ये इंसान की इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में प्रभावित करना आपको काफ़ी महंगा पड़ा आपको। आधा तो आपका इमोशनल लॉस हुआ या आपके फाइनेंशियल लॉसेस हुए, बट ये इंसान के अंदर मुझे दिख रहा है धीरे धीरे वो सब कुछ चीज़ ये रियलाइज कर पा रहे हैं। आई डू फील लाइक दैट। ये एक समय पे बैठ जाते हैं और थोड़ा सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं क्या इस पर्सन के साथ फिर से जाके मीट करूँ, या इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनसे आप रिसेंटली मीट किए हैं, मतलब कनेक्टेड हुए हैं, तो ये इंसान की तो पहली फितरत मुझे दिख रहा है आपके साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इधर तो बनाना, या हो सकता है आपको पैसे के लिए पूछना, मे बी दे कैन आस्क यू फॉर फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है। और ओके, और जब आप वो फेवर नहीं करोगे, ठीक है, तो आप खुद टेस्ट करके देखना कि वो क्या फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं। सपोज़ आपको उन्होंने बताया कि लेट्स हैव सम सेक्स एंड फन टुगेदर, या आप मुझे पैसे दे सकते हो, उसके बाद अगर आपने नहीं दिया, कुछ समय तक आपको ऑब्जर्वेशन करना है, अगर उन्होंने आपके साथ कुछ बिहेवियर में, पहली दफ़ा में ऐसा हो सकता है इंसान बहुत ज़्यादा होशियार है, ये आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ है कि ये इंसान कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे, या ये ऐसा चीज़ हो चुका है। यहाँ पे एक शेफ कैप दिख रहा है, यहाँ पे एक लेडी दिख रही, काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ फेस्टिवल्स में हो सकता है आप लोग मिले हो, पार्टीज़ मुझे दिख रहा है, कोई रेस्टोरेंट, कोई ऐसी डाइनिंग एरिया, या कोई हॉल, डाइनिंग हॉल या बैंक्वेट हॉल जहाँ पे आप दोनों मिले हो, ठीक है, जहाँ पे फूड रेस्टोरेंट्स उस तरह का मुझे दिख रहा है, होटल्स, ओके, बार, कॉफ़ी शॉप्स, उस तरह से, ठीक है, ऑल राइट। तो कुछ लोगों के लिए आपके लिए भी एक कैजुअल रिलेशनशिप था, लेकिन आप ना बाद में इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए, ठीक है, और ये भी आपके लिए सीरियस तो हुए, लेकिन इनके जो इरादे थे वो नेक नहीं था। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कुछ साइंस फील्ड में या स्पेसशिप लेके काम करते हैं, या कुछ उस तरह का ख्वाब है इनका, हायर एम्बिशंस इन लाइफ, ठीक है। अभी देखते हैं ये क्या फैसला करने वाले हैं। लेकिन इनकी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, काफ़ी मीट करते हैं लेडीज मैन, आदत से मजबूर वाला इंसान, फितरत चेंज नहीं हुआ। यू एंड वी इज इम्पोर्टेंट,
समथिंग आई फील लाइक ये आपको देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे कैन लाइक कॉल यू फॉर सर्टेन थिंग्स, दे कैन मेक यू क्लियर अबाउट सर्टेन थिंग्स. हो सकता है कि वो आपको ऐसा भी बताए. देखो फीलिंग्स मतलब ये नहीं कि शादी के लिए ही है, फीलिंग्स मतलब ये भी है कि रिसेंटली क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, राइट. तो कहने का भी मुझे इस तरह से दिख रहा है वो आपको कोई ऐसी जगह पे बुला सकते हैं जहाँ पे कोई भी ना हो, बुला के आपके साथ एक लॉन्ग कन्वर्सेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं. बट उस कन्वर्सेशन में उस जिसको हम बोलते हैं लाइक लेक्चर टाइप का कुछ आपको बता सकते हैं, आपको इमोशनल कर सकते हैं ये इंसान, और ये बता सकते हैं कि इनके लाइफ में बहुत सारा मजबूरी है, और अगर आप इनको अपने लाइफ में देखना चाहते हो तो कहीं ना कहीं पे आपको इनके टर्म्स एंड कंडीशंस या इनके जो नेचर है इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. देन ओनली दिस पर्सन इज एग्रीइंग टू बी विथ यू इन दिस रिलेशनशिप, तभी जाके वो एग्रीमेंट पे, जिस तरह से बोला जाए ना, एग्रीमेंट पे साइन करना. यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकता है, वाटर साइंस भले आप नहीं हो बट इमोशनल बहुत ज़्यादा आपको, आपके इमोशंस ना एक बहती हुई नदी की तरह मुझे दिखता है हमेशा. अदर तो रो देते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हो, अपने आप को ब्लेम करते हो, सो स्टॉप डूइंग दैट. ओके, आपसे क्यों छुपाया इन्होंने, क्या मजबूरी थी इनका जो आपसे ये छुपाया. देखो एक का तो बेटा या बेटी है मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वो आपको हो सकता है कि खोना नहीं चाहते थे, या इस रिलेशनशिप को वो लूज नहीं करना चाहते थे, या आपसे जो उनका फायदा था वो उनको ज़्यादा अहमियत देखा. ठीक है, यहाँ पे मुझे काओ दिख रहा है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या आपके घर में, घर के आसपास गाय बहुत ज़्यादा है, या आप गाय की पूजा करते हो गो माता की, या हो सकता है कि आप उनके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा भरोसा है. ठीक है, अगेन आई कैन फील सर्टेन नेगेटिव ऑरा ओवर हियर, यहाँ पे मुझे कुछ नेगेटिव रीडी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ. तो इनसे आप थोड़ा सा होशियार रहिएगा, ठीक है, अलर्ट रहिएगा. मे बी दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर ऑल ऑफ यू, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए रेजोनेट करे, मेरा काम है आपको क्लैरिटी देना. ठीक है, इस इनके कुछ हेयर जो है एवरेज से ज़्यादा है, या हेयर कट बहुत ज़्यादा कराते हैं. दूसरा चीज़ है ब्राउन या वेलवेट कलर या रेड कलर की क्लोथ्स, या कहीं ना कहीं पे ब्लैक कलर की कुछ पेंडेंट, या हो सकता है कि धागा इनके हाथ में आपके हाथ में हो. आई डू फाइंड कि ये पर्सन आपके सामने ना बहुत भोले बनने की कोशिश करते हैं. ठीक है, मुझे तो जरा सी हासिल में एंट्री दे, छुपा ले मुझको ना रहे कोई एक्सिट, वो वाला. ठीक है, क्योंकि लव है मेरा हिट हिट उस तरह से. ठीक है, ये आपको इतना मतलब कन्विंस करते हैं ना, जैसे ये आपके सामने आ जाते हैं ना तो आप पूरी तरह से उन्हीं के फेस देखते रहते हो, उन्हीं के पिक्चर देखते रहते हो, यही तो मोहित करते हैं इंसान. ठीक है, तो मैं नहीं बोल रही कि हमेशा ही ऐसा ही करेंगे वो. आई कैन सी द शेप ऑफ अ फूल कार्ड. ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर फॉर फ्यू ऑफ यू, ठीक है, ये हो सकता है कि कुछ प्लानिंग करे आगे बढ़ने का. ठीक है, बट आई डू फाइंड कि उसमें भी उनकी ही स्वार्थ होगा कि कहीं ना कहीं और रिलेशनशिप से उनको कट ऑफ किया होगा, इसलिए वो आपके पास दौड़ के आएंगे टू सेव हिमसेल्फ और हरसेल्फ, खुद को बचाने के लिए. ठीक है, जिस तरह से हम खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए पुलिस के पास जाते हैं, ठीक है, दस्तक देते हैं वहां पे, और हम अपने मोबाइल्स को हमेशा चार्ज रखते हैं, इमरजेंसी कॉल करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हो तो, उसी तरह से ये आपको पूरी तरह से हिप्नोटिक बिहेवियर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, पूरी तरह से जिस तरह से एक साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, हिप्नोसिस करते हैं ताकि हम पास्ट लाइफ में पहुँचे, उस तरह से यहाँ पे कुछ उसी तरह से बहकाना, ठीक है, और आपका दिल जीतने की कोशिश करना, आपके सामने दिखाना कि वो आओ आई एम जस्ट ओनली फॉर यू, पीठ पीछे जाके कुछ और काम करना, क्योंकि इनका स्वभाव है और यही ये बोलेंगे आपको
कि आप मुझे अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो मेरे ये सारे नेचर के साथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज द डेविल इज लाइक दैट ओनली कमांडिंग टू मेक यू बॉन्डेड इन अ जेल एंड विद अ चेन, चेन के साथ, ठीक है? ओके, ऑल राइट, अभी हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है ताकि आप अपने लाइफ को भी इम्प्रूव करो, ठीक है? सो लेट मी सी, सो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है देख लेते हैं, व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे गाय, मतलब काउज या कोई भी बफेलोज या कुछ भी, मतलब रिलेटेड टू दोज एनिमल्स दैट गिव मिल्क, जो हमें दूध देते हैं, उस तरह के कुछ एनिमल्स आप देख सकते हो। धर्म, पार्वती, शिव पार्वती, देखो इसलिए मैंने आपको बताया कि कुछ, ठीक है मैं बता देती हूँ, वेट, हनुमान जी, देखो हनुमान जी क्यों आए यहाँ पे, क्योंकि डेविलिश एनर्जी है, राइट? और हनुमान जी तभी आते हैं, इट्स 100% प्रूव्ड, अगर हनुमान जी यहाँ पे आए हैं अहिंसा, तो आपको वायलेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए है ये वो। आप उनका जाप ताप कर सकते हो, तंत्र मंत्र से उनको बुला सकते हो, जब भी आपको फील हो कि कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन आपको इफेक्ट कर रहा है, आपको मेंटल डिस्टर्बेंसेस दे रहा है। पार्वती और शिव जी अखंड, जिस तरह से बोला जाता है, कभी भी उनका रिश्ता टूटता नहीं है, अखंड ज्योत के जैसा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड कि दिस कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, बट इट इज़ गेटिंग मोर टॉक्सिक। अगर टॉक्सिक होते जा रहा है तो ये कोई ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं है। अगर ये टॉक्सिक नहीं है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है यू विल बी सून इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप विद समवन। ऐसा भी ब्लेसिंग्स है, या पार्वती माँ का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा रहेगा, ठीक है? और आपको शांत होने चाहिए। दूसरा है धर्म, आपका क्या धर्म है, वो धर्म का बात नहीं कर रहे हम, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन उसका बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे धर्म का, आपकी जो कर्तव्य है इस यूनिवर्स के लिए, इस पृथ्वी के लिए, जिसके लिए आपने जन्म लिया है उसको पहले निभाइए। आप अगर माता है तो अपने बच्चे का देखभाल कीजिए, अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं ऑफिस के लिए काम कीजिए, उनके लिए कुछ अच्छा प्रॉफिट करवा दीजिए। आप अगर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो आपका धर्म है उनको क्लैरिटी देना, जैसे हमारा धर्म है आपको रास्ते पे लेके जाना, जो रास्ता आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक और सक्सेस तक जरूर पहुंचाएगा, ठीक है? उस रास्ते पे चलने का निर्देश देना ही वो हमारा धर्म है, अहिंसा, नॉन वायलेंस। सो डोंट ट्राई टू एवर, ओके? ऐसा भी कुछ आप यहाँ पे देखो, लियो है, लियो साइंस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पे दुनिया में बहुत ज्यादा अहिंसा चल रहे हैं, उस पाथ को आप सिलेक्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? आपको अपने ऊपर ही काबू रखना है, गुस्से के ऊपर काबू रखना। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो, जब आप लोग सुनते हो अपने पार्टनर के बारे में कुछ गलत चीजें या सही चीजें भी सुनते हो, वो अगर कुछ गलत होते हैं तो आप बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लगता है एक चांटा मारे, नहीं, बी कूल एंड कम, मेरे जिंदगी बर्बाद कर दिया, ऐसा कुछ हुआ, सब कुछ के पीछे एक रीजन है। एवरी ब्लेसिंग इज अ चैलेंज एंड एवरी चैलेंज इज अ ब्लेसिंग। हनुमान चालीसा अगर आप जाप कर सकते हो तो करो। आई डू फील आपके घर में भी बहुत नेगेटिव एनर्जीज है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को थोड़ा सा साफ रखिएगा, ठीक है? और दूसरा चीज है कि 1920 द इविल रिटर्न्स मूवी प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है? उसमें आपको पता चलता है कि क्या है इविल एनर्जीज, ठीक है? वो सही में होता है, वो जो बॉडी का ऐसे वो बिखर जाता है ना, ऐसे उस तरह का ही होता है, जब कोई नेगेटिव ऊर्जा या आत्मा किसी के शरीर के ऊपर पोजेस्ड हो जाते हैं, इट्स लाइक दैट एंड आई डू फाइंड। इसलिए इविल एनर्जीज के वजह से यहाँ पे हनुमान चालीसा, हनुमान जी यहाँ पे आए हैं, एंड आई डू फाइंड दिस इज अ फुल मून, ठीक है? सो प्लीज डू कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर टेम्पर, डू योर वर्क, अपना काम कीजिए, कार्य कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा।
So this is all for today. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot's Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.